डियर व्यूअर्स वेलकम टू आवर चैनल कश्मीरी होम कुक आज मैं आपको दिखाती हूँ घर में चिकन रिश्ता या चिकन कोफ्ता कैसे बनाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इस रेसिपी में स्टेप टू स्टेप बनाना सिखाऊंगी कि कैसे चिकन को घर में बोनलेस बनाते हैं और कैसे चिकन को विदाउट मिक्सर ग्राइंडर और फूड प्रोसेसर हम पेस्ट बनाएंगे ये सब देखने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे चिकन रिश्ता बहुत ही टेस्टी और जूसी बनेगा तो चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। चिकन रिस्ता बनाने के लिए हमने लिया है वन के जी चिकन जो हमने वॉश कर लिया है यह अभी बोनस के साथ है दो चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर एक चम्मच हल्दी का पाउडर दो चम्मच नमक पाँच से छः लहसुन की कलियाँ जो हमने चॉप कर लिए हैं पाँच ब्लैक आडमम यानी कि बडल दो दालचीनी के स्टिक्स पाँच से छः छोटी इलायचियाँ और पाँच से छः लौंग दो बड़ी चम्मच ग्रीन कोरिएंडर, एक चम्मच मीट मसाला आप चिकन मसाला भी ले सकते हो एक बड़ी चम्मच गई एग वाइट लिया है हमने यानी कि ठुलका की और उसके बाद हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल अब हम चिकन को बोनलेस बनाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आपके घर में कोई और शख्स भी है तो आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं जैसे मैंने ली है ये देखिए कितना ईजी है हम बस फाइव मिनट्स में चिकन को बोनलेस बना सकते हैं वो भी घर में चिकन रिश्ता या चिकन कोफ्ता को जूसी बनाने के लिए चिकन लेग्स ज़रूरी डालें उससे कोफ्ते बहुत ही जूसी बनते हैं ज़्यादातर लोग ब्रेस्ट पीसेस का गोश्त ही डालते हैं उससे कोफ्ते अंदर से ड्राई बनते हैं और खाने में अच्छे नहीं लगते मैं आपको चिकन को इसीलिए बोनलेस बनाना दिखा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी वीडियो में वॉशिंग से लेके चॉपिंग तक और चॉपिंग से लेके कुकिंग तक सब कुछ दिखाऊँ यही मेरी चैनल बनाने का असली मकसद है ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से हमने चिकन के बोन्स और गोश्त को अलग अलग कर दिया है चिकन को हमने पहले भी वॉश कर लिया था अब हम इसको फिर से वॉश करेंगे इसके बाद अब हम इस चिकन को पेस्ट बनाएंगे वो भी कश्मीरी तरीके से हम इसको वखूल में पेस्ट बनाएंगे लेकिन अगर आपके पास फूड प्रोसेसर या मिक्सर ग्राइंडर है आप वो भी यूज़ कर सकते हो अब हम इस वखुल में चिकन के पीसेस डालेंगे वो भी एक एक करके एक एक करके डालने से जल्दी पेस्ट बनेगा एक साथ डालने से चिकन को कूटने में प्रॉब्लम होगी अगर आप चिकन को नीम में पेस्ट बना रहे हो तो चिकन का फ्रेश होना बहुत ही ज़रूरी है अगर चिकन ठंडा होगा तो कूटने में बहुत टाइम लगेगा अगर आप फूड प्रोसेसर में पेस्ट बना रहे हो तो ठंडा चिकन भी डाल सकते हो ये देखिए कितना इजी तरीके से ये पेस्ट बन रहा है यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट बन गया है अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक कार्डमम के दाने यानी बडल के दाने वो डालने इसमें बहुत ही ज़रूरी है दो ब्लैक आर्डम लीजिएगा इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक ग्रीन कॉरेंडर ऐड करेंगे ये आपकी चॉइस है अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो मत डालिए हाफ़ टी स्पून हमने लिया है मीट मसाला यहाँ पे आप चिकन मसाला भी डाल सकते हो हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर एक चम्मच घी आधी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर अब हम इनको फिर से मिक्स करेंगे और इसको फिर से पेस्ट बनाएंगे यहां पे हम सुपून से भी मिक्स कर सकते हैं चिकन फ्रेश था और गर्म भी तो जल्दी जल्दी पेस्ट बन गया ये देखिए बहुत ही कम वक्त में अगर ये नीचे से चिपक रहा है तो इसको हम पानी लगाएंगे जिससे ये गोश्त के साथ नहीं चिपकेगा अगर आपको ऐसे रगे नज़र आ रही है तो आप उनको निकाल दीजिए क्योंकि इनसे कोफ्ते टूट जाते हैं क्रैक हो जाएंगे कोफ्तों में जहाँ भी आपको लगे आप निकाल दीजिएगा ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन गया बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया है ये, ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है इसमें हमने इसमें सारी इंग्रेडिएंट्स डाल दी थी ताकि कोफ्तों के अंदर भी मसालों का मज़ा आ जाए अब हम इसमें एग वाइट डालेंगे और चिकन के साथ मिक्स करेंगे इससे चिकन में अच्छा सा फिनिश आएगा यानी कि हमारी कोफ्तों में अच्छा सा फिनिश आएगा अगर आपको फिर से रगे नज़र आ रही है तो आप इनको निकाल दीजिए वरना कोफ्तों में क्रैक हो जाएगा अब हम इस मिक्सचर को कोफ्तों की शक्ल देंगे हमें टाइट से गोले बनाने हैं प्रेस करते जाएंगे और घुमाते जाएंगे और इस तरह से हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे इनको हमें लड्डू की शेप देनी है ये देखिए गोल कोफ्ता तैयार हो गया है इसी तरह से हमें बाकी के कोफ्ते भी बनाने हैं गोल शेप में बनाने हैं हम एक ही हाथ से भी बना सकते हैं आप देखिए हमने इसमें घी डाला है एग वाइट डाला है तो इसलिए कोफ्ते हाथ के साथ चिपक नहीं रहे हैं यह आपकी चॉइस है कि आपको कोफ्ते कितने बड़े बनाने हैं छोटे साइज के या बड़े साइज के कोफ्ते परफेक्टली राउंड शेप में बन रहे हैं अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे कोफ्ते परफेक्ट भी बनेंगे और जल्दी भी अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये देखिए सारे कोफ्ते बन रहे हैं वो भी बहुत ही कम वक्त में और एक ही हाथ से और देखिए राउंड शेप में भी बन गए अभी हमारे सारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं अब हम इनको ऑयल में फ्राई करेंगे उसके लिए हमने एक पैन लिया है इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक ना ऑयल में से स्मोक निकले ये देखिए ऑयल में से स्मोक निकल गया है गैस हाई फ्लेम पे था अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे एक एक करके और गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे अगर हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे तो कोफ्ते बाहर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से फ्राई नहीं हुए होंगे अब हमें कोफ्तों की साइड्स भी चेंज करनी है ताकि रिश्ते या कोफ्ते हर साइड से फ्राई हो जाए चिकन कोफ्तों को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है वरना रिश्तों में से चिकन स्मेल आएगी इनको ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करना है ये देखिए कलर चेंज हो रहा है अभी हम इनको निकालेंगे ऑयल से अब हम इसी ऑयल में बाकी के कोफ्ते भी फ्राई करेंगे वो भी मीडियम फ्लेम पे अब देखिए कोफ्ते बिल्कुल भी क्रैक नहीं हुए अब हम इनको ऑयल से निकालेंगे अब ये सारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं अब जो बाकी का बचा हुआ ऑयल है उसमें से हम आधा तेल निकालेंगे और गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और तेल को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तेल थोड़ा सा ठंडा हो गया है अब हम इसमें लहसुन डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे अगर हम इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे इसमें से स्मेल इस आएगी अब हम इसमें डालेंगे दालचीनी दो बड़ी इलायचियाँ पांच छोटी इलायचियाँ पांच लौंग आधी चम्मच मीट मसाला आधी चम्मच हल्दी डेढ़ चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर एक चम्मच नमक अब हम इन सारे मसालों को मिक्स करेंगे और कोफ्तु के ऊपर डाल देंगे अब हम इसमें डालेंगे थ्री ग्लासेज ऑफ वाटर ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है अगर हम गर्म तेल में मिर्ची डालते हैं तो मिर्ची जल जाती और डार्क कलर आ जाता लेकिन अगर आप मेरे तरीके से डालोगे तो ऐसा ही कलर आएगा एकदम परफेक्ट कलर अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक ना ग्रेवी रिड्यूस हो जाए या थिक हो जाए ये मैंने आपको सेम कश्मीरी तरीके से दिखाया अगर हम इसमें हल्दी कम डालेंगे तो डार्क कलर नहीं आएगा हल्दी हमेशा कम ही यूज़ करें ये देखिए ग्रेवी रिड्यूस हो गई है यानी कि थ्री गिलास ऑफ वाटर डाले थे हमने एक गिलास रह गया है इसमें अब मैं आपको कोफ्ता दिखाती हूँ देखिए कितना स्पॉन्जी बना है बहुत ही सॉफ्ट और क्रैक भी नहीं हुआ अब हम इसे सर्विंग बॉल में सर्व करेंगे और हम इसे गरम-गरम चावल के साथ खा सकते हैं आप इसे गर्मी ज़रूर ट्राई कीजिए और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो इन फिर से मिलते हैं हमारी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।